मतलब कौन सा पार्ट इजी आया था, टफ आया था? जूलॉजी और बॉटनी ठीक था, इजी था। बाकी फिजिक्स टफ लगा थोड़ा। बॉटनी जूलॉजी इजी था, फिजिक्स कैम फिजिक्स टफ था थोड़ा सा। बायो जो था पूरा टोटल बॉटनी जूलॉजी, वो एनसीईआरटी से आया था या बाहर से आया था? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से। कोई ज्यादा वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उस टाइप से तो नहीं थे ज्यादा? नहीं, नॉर्मल थे। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा आज? वैसे तो फिजिक्स ही था मेरे लिए तो। ओके, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन छूटे तो नहीं है? छूटे हैं, फिजिक्स छूट गए, टाइम कम पड़ गया। ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? 150 करे। आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी है? सेल्फ में। टेस्ट वगैरह देते थे आप? तब क्या स्कोर आता था टेस्ट वगैरह में? 450 तक। 450 नीट में। अभी आज के पेपर को देख के क्या लग रहा है, 500 प्लस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ड्रीम क्या है आपका, क्या करना चाहते हो आप? यही MBBS ही करना है। जैसे अभी कम अगर बाई चांस नहीं होना चाहिए, अगर भगवान करे अच्छा आपका पेपर और अच्छा चले जाए, जो आपने के हमारे को भी सही चले जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए, बट बाई चांस अगर नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन क्या है फिर? यही फिर से एक बार और करोगे आप? BHMS BMS BDS वगैरह कुछ नहीं करोगे? नहीं अभी तो नहीं, वो नहीं सोचा अभी। अच्छा ओके। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे अभी जब प्रिपरेशन कर रहे थे उसके अभी तक? 8 घंटे। कल रात में नींद आई थी आपके पहले? हाँ आई थी। बहुत लोगों को नहीं आती यार, मैं खुद भी एक एक्सपीरियंट रह चुका हूँ तो मुझे भी नहीं आती थी। कल तो आ गई, फिर जब सुबह आते टाइम थोड़ी टेंशन हो रही थी। अच्छा, जो डर रहता है पेपर का, ठीक है, पेपर पता नहीं क्या होगा, वो कब ये जब अंदर आपके हाथ में पेपर आता है तब वो डर खत्म हो जाता है? हो जाता ना? के बाद एक बार। अभी पहले तो हार्ट बीट बहुत तेज रहती होगी। हाँ। आज खाना वगैरह प्रॉपर खा के आए थे आप? नहीं नहीं, जूस वगैरह पिया था। जो यहाँ का सेंटर का मैनेजमेंट था, जो इनविजिलेटर वगैरह थे, उन्होंने कुछ टाइम वगैरह वेस्ट नहीं किया, टाइम टू टाइम सब कुछ किया? हाँ। पूरी व्यवस्था मैंने पूरा सब कुछ क्लियर था यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। और जो नए बच्चे आना चाहते नीट की तैयारी करने में, आप सजेस्ट करोगे करना चाहिए या नहीं आना चाहिए इस फील्ड में? हाँ करना चाहिए, पर जिसका मैथ्स भी थोड़ा ठीक हो वो कर सकते है। अब अकेले बायो से तो सिलेक्शन होना नहीं है। आपका मीडियम कौन सा है? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में कहाँ से आपकी तैयारी, मतलब स्टार्ट कब करी थी आपने? स्टार्ट 12th के साथ की थी। तो फर्स्ट ड्रॉप था आपका ये? हाँ। तो अच्छा ओके, तो आपको मतलब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको नीट ही चॉइस करना इसी फील्ड में आना है? मेरी मासी डॉक्टर है। क्या किया उन्होंने? MBBS अभी MD करके मतलब जॉब कर रहे हैं। ओके, तो उनसे आपको मतलब मोटिवेशन आया कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।